रहीम, मेरी जो आज की क्लास है वो है नंबर सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर BSCS के साथ, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ और इसी तरह IT के साथ। जी जहाँ से कोई समझ ना आए, आपको कोई चीज़ समझते हैं कि मैं वो पूछ लूँ, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाए थे कि इन केस अगर कोई लॉकडाउन हो जाता है तो उसमें किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आती तो वो पूछ सकता है। वो ओके, शुरू करते हैं कि आज का लेक्चर क्या है। जी मैक्सिमम हमने लेक्चर पढ़ा हुआ था, हेक्साडेसिमल को भी हमने पढ़ लिया था काफ़ी हद तक। हेक्साडेसिमल वो नंबर जिसकी बेस 16 है और ये नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15, लेकिन इनको हम लिखेंगे ABCDEF। लेकिन इसका मतलब यही होगा 10 11 12 13 14 15, तो इसमें परेशान नहीं होना डेसिमल के हवाले से। डेसिमल वो नंबर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर अंदर जो भी नंबर होंगे वो मेरे पास डेसिमल नंबर। अगर मैंने किसी नंबर को कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन करनी हो, हेक्साडेसिमल नंबर को ABCDEF, ये एक मेरे पास नंबर दिया हुआ है और ये डेसिमल नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है जनाब ये डेसिमल नंबर में। क्यों, कौन सा नंबर? हेक्साडेसिमल। इसका प्रोसीजर क्या होगा? मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस सी, इस स्लाइड में दिया भी है, ये देख लेंगे आप। ए मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस सी 12 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस डी 13 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस ई 14 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस ई 15 डी 13 मल्टीप्लाई बाई 16 ई 14 मल्टीप्लाई बाई 16 और F 15 मल्टीप्लाई बाई 16। अब ये पावर हमने जो 16 की है वो जीरो से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 5। अब अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 5 करें तो इसका आंसर वो दिया हुआ है 1 0 4 8 5 7 6 0 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 4। अगर इसको हम हल करें तो इसका आंसर दिया हुआ है 7 2 0 8 9 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3 4 9 1 5 2, इसका आंसर आएगा। इसी तरह मेरे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2, इसका आंसर 3 3 2 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 16, ये तो इसका आंसर मेरे पास जनाब जी 2 2 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, तो इसका आंसर मेरे पास 15 आएगा, बिकॉज 16 की पावर 0 = 1 होता है। और अगर हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो वो मेरे पास 1 2 sorry 11 2 5 9 3 7 5, बेस 10 का मतलब डेसिमल नंबर है मेरे पास। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, AB 1 2 C 16 into 16। 16 मतलब इसका जो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करेंगे जनाब जी हम डेसिमल नंबर में, और जो डेसिमल नंबर आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, और उसी डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे दोबारा ऑक्टल में। यही है जी आज का लेक्चर, और इसी पे आज का लेक्चर खत्म होगा। फर्स्ट हमें पता है ए बी, ये मेरे पास 10 और 11 के इक्वल है, मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में दोबारा मेंशन कर दिया है। अगर आप देख लें तो हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर हैं जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 को लिखा गया है ए, इसी तरह बी सी डी ई एफ, तो मतलब 10 11 12 13 14 और 15 नंबर मेरे पास एफ आ जाएगा। ये नीचे मैंने मेंशन भी कर दी, ये इसके इक्वल आएंगे, लेकिन लिखेंगे हम ABCDEF 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया ए मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 4 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0। नीचे इनकी वैल्यू भी दे दी है जनाब जी, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 है। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 4 ये आंसर आएगा 6 55 3 6 0,
इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाई 4096, ये मेरे पास आंसर आएगा 45056। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसका आंसर आपका 256 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 16, इसका आंसर 32 आएगा। और C का मतलब 12 है, तो 16 की पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। इसको अगर हम तमाम को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर मेरे पास 700716 आ जाएगा, और इसकी बेस 10 मतलब ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये देख लें जी, अगर कन्वर्जन का एक रूल यहाँ पर हम वो डिफाइन कर लेते हैं। कन्वर्जन का रूल यही है, सिंपल और बहुत सादा रूल है। कोई भी कन्वर्जन करनी हमने, हेक्साडेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है या बाइनरी नंबर है, इसको सबसे पहले हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमने अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल नंबर में करेंगे, अगर बाइनरी में करना है तो बाइनरी में करेंगे, अगर ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट होगा, वो नंबर ऑक्टल में हो सकता है, वो नंबर बाइनरी में हो सकता है, वो नंबर हेक्साडेसिमल में हो सकता है, कुछ भी है। तो इसमें परेशान नहीं होना, रूल हमारा यही है कि सबसे पहले डेसिमल नंबर आएगा, जो भी नंबर है। अब यहां पर एक नंबर दिया हुआ, अगर हेक्साडेसिमल जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल है, तो वो सबसे पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा, और डेसिमल नंबर के बाद कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया या ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया। अगर हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी बेस 8 होती है, 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसकी बेस 16 होती है, 16 से डिवाइड कर देंगे। और अगर उस बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एक एग्जांपल मैंने की हुई है, आपने मैंने क्लास में स्टूडेंट से करवाई थी, उन्होंने की थी, तो ये देखें जी, मैंने एक एग्जाम्पल की है। 700716 मेरे पास एक आंसर आया, ये डेसिमल नंबर था, जो ऑक्टल नंबर हमने दिया हुआ था वो उसको कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में, जो सिंपल वो मैथ है जो आपने किया हुआ है, कोई इसमें मसला नहीं है। ये जो 4 एंड के ऊपर बचा हुआ है ये रिमाइंडर है, ये डिवाइड नहीं हो रहा था। इसी तरह 5 जो है ये भी लास्ट के ऊपर 5, ये भी रिमाइंडर है, और लास्ट में 4 है वो भी रिमाइंडर है। वो कि मैंने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, अगली स्लाइड में आपको इसमें पूरा क्लियर नजर आ जाएगा, आप इसमें देख लें जनाब। ये लेंगे यहाँ पर 700716 मेरे पास ये डेसिमल नंबर आया, इसको हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में, तो ऑक्टल में मेरे पास जो लास्ट में नंबर बचा था 2530454, ये ऑक्टल में नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये आप देख लेंगे, ये ऑक्टल में था, ये आप इस नंबर को कन्वर्ट किया। कन्वर्जन का वो सेम वो ही प्रोसीजर है, रूल है जो हमने क्लास में किया था, इसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। कि स्टूडेंट कहें कि नहीं सर हमें कोई परेशानी लाहक होगी, है परेशानी कोई नहीं हुई, मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया हुआ है। लास्ट के ऊपर जो 4 है ये रिमाइंडर बचता है, लास्ट के ऊपर दूसरे जो स्टेप में है 5 रिमाइंडर बचता है, थर्ड स्टेप में मेरे पास 4 रिमाइंडर बचता है, और उससे अगले स्टेप में 3 रिमाइंडर बचता है, उससे सेकेंड लास्ट वाले स्टेप में मेरे पास 8×24 होता है, यहाँ पर इसने गलती की हुई है, 8×16 होता है, और ये 16 इसने 3 लिखा हुआ, ये 2 आ जाएगा जी, ये 2 इसका ये गलती चल रही है। लास्ट के ऊपर जनाब जी 8×16 और 3, ठीक है उसने गलती नहीं की, गलती मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है जी, उसका 5 आ रहा है, 5 उसका रिमाइंडर है, और 2 रिमाइंडर बच गया, तो 2530454 जी, ये ऑक्टल नंबर मेरे पास बन गया जी। अब अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, सेवन डबल जीरो 716 ये डेसिमल नंबर आया था मेरे पास, और ये डेसिमल नंबर मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में। अब अगर बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे, देख लें जी आप, 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड हुआ, और लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, लास्ट में फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर रिमाइंडर 0 बच गया, थर्ड स्टेप में मेरे पास 1 रिमाइंडर बचा, फोर्थ स्टेप में 1 रिमाइंडर बचा, फिफ्थ स्टेप में 0 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 1 रिमाइंडर बचा, उससे नेक्स्ट स्टेप वाले में 0 फिर 0 फिर 1 फिर 00 सॉरी 000
फिर आगे डबल जीरो, सॉरी डबल वन, फिर 0101 01 01। ये मेरे पास वो नंबर होंगे। हम अब नीचे से काउंट करेंगे, ऊपर से कभी काउंट नहीं करना आपने। ऊपर से अगर आपने काउंट किया तो ये गलत होगा। नीचे से मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 10 01 01 00 00 00 00 01 00 01 00। जी ये मेरे पास वो नंबर है जो मेरे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमने फिजिकल क्लास में भी पढ़ भी लिया था कि 10 10 10 अगर नंबर आ जाए वो बाइनरी नंबर आ जाता है। इसी तरह मेरे पास अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, साथ ही इसी स्टूडेंट ने ऑक्टल में भी कन्वर्ट किए हुए। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप घर में खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी समझ सकता है, आप इसे देख सकते हैं। तो कोई समझना चाहे वो मेरे से समझ लेता है। ये मैंने एक खुद आज काफ़ी डिफिकल्टी मुझे पेश आ रही है लेक्चर अपलोड करने में आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हमें एक अच्छा लेक्चर मिल सकेगा। जी यहाँ तक अपना ख्याल रखें, किसी का कोई भी इशू है वो मेरे से पूछ सकता है, सर ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। व्हाट्सएप नंबर भी हमारे पास है। जाने से पहले मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर की जो है वो समझा देता हूँ। बाइनरी नंबर वो नंबर जिसकी बेस 2 और उसमें दो नंबर होंगे, 0 होंगे या 1 होगा, ये याद रखिएगा। और अगर हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ हुआ है जी इस एग्जाम्पल में। और रिमाइंडर जो बचता जाएगा, चाहे वो 0 बचे या 1 बचे, वो मेरे पास बाइनरी नंबर आता जाएगा। आप देख लेते हैं, ये ऐसे ही है। यहां तक ऑक्टल नंबर वो नंबर था जो हमने क्लास में तफसीलन पढ़ा था। ऑक्टल नंबर वो था जिसकी बेस 8 थी और उसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर थे, 8 नहीं था उसमें। बाइनरी वो नंबर होगा जो मेरे पास जिसकी बेस 2 होगी और उसमें 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब लो लो वोल्टेज और हाई, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज। ये हमारा वो कंप्यूटर की वो जबान है जिसमें जो शुरू के स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने बताए थे कि ये मेरे पास मशीन लैंग्वेज है। तो ये मशीन लैंग्वेज है जनाब जी, 10 10 10 10 10, इसी के लिए ही हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी। हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है जनाब जी बाइनरी में, लेकिन अभी आपका वो इतना लेवल नहीं है। मेरे भी लिमिटेशन है कि मैं थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं जो आपको बता सकूँ। लेकिन यहाँ तक भी अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। फिर भी मैं कहूँगा तमाम वो स्टूडेंट से कि अगर किसी का कोई इशू है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।